असलम मेरी YouTube फैमिली क्या हाल चाल है आप सबका उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हैरियत से होंगे तो जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है स्किन पॉलिशिंग कल मैंने अपनी स्किन पॉलिशिंग की थी घर पे बहुत अफोर्डेबल किट के साथ आप लोग ज़रूर जाके देखें मैं उसके रिजल्ट से सेटिस्फाई हुई या ना नहीं हुई आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ये जिस पेज की किट है उनका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बार में दे दिया तो आज जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ अच्छा ये तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किट स्किन पॉलिशिंग की जिसमें फ़ोर प्रोडक्ट्स जो हैं पॉलिशर के हैं और एक साथ उन्होंने मास्क दिया हुआ है और साथ आपको पेपर मिलेगा जिस पे पूरा तरीका लिखा हुआ है कि आपने इसको बनाना किस तरह से है और सारा कुछ मैंने बनाने का तरीका इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने जो पेपर पर पे लिखा हुआ था ना तरीकाकार मैंने उसी को फॉलो किया है अब मैं आप लोगों को वन बाई वन प्रोडक्ट्स सिखाती हूँ जो फोर प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में मिक्स हमने करनी है जिसमें सबसे पहले है जी एक ग्लोब बूस्टर और उसके बाद जो है आ, वो है ग्लो शाइनर एंड ग्लो पाउडर और साथ ही साथ सबसे एंड में होगा सूदिंग लोशन तो हमने इन चारों चीज़ों को मिक्स करना है और स्किन पॉलिशिंग करने के बाद जो इन्होंने साथ अपना ग्लो मिनरल मास्क दिया हुआ है उसको अप्लाई करना है उससे क्या होगा कि अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है तो वो काम हो जाएगी रिलैक्स हो जाएगी अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाएगी एंड नीट एंड क्लीन हो जाएगी मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ और अगर आप लोग इनसे परचेज़ करेंगे तो आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं एस्टन इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा अच्छा जी अब आप लोगों ने करना क्या है कि फ़ेस वॉश कर लेना है और अगर आप लोग स्किन पॉलिशिंग करें तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोग रात के टाइम करें और मतलब शाम में या रात में करें ठीक है और इस तरह से आ, क्लीन फेस पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है और 10 से 15 मिनट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है इससे ज़्यादा आपने अप्लाई नहीं करना क्योंकि जो ब्लीच का रिज़ल्ट होता है वो अगर आप फ़िफ्टी मिनट से ज़्यादा लगा रह देंगे तो वो रिज़ल्ट रिवर्स हो जाता है तो इस तरह से आप सिर्फ़ टेन मिनट्स लगाएँ या फिर फ़िफ्टी मिनट्स इसके दरम्या में आप लोग रिमूव कर लें ठीक है इससे आपके जो छोटे छोटे फेशियल हेयर होते हैं वो भी हल्के से लाइट हो जाएंगे आपकी स्किन के साथ मैच हो जाएंगे और स्किन पॉलिशिंग मैं बिल्कुल आ, रेकमेंड नहीं करूँगी उन लोगों को जिनको सूट नहीं करती या जिनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है ये सारा आपकी स्किन टाइप पर डिपेंड करता है मुझे स्किन पॉलिशिंग लाइट सी ब्लीच बहुत सूट करती है क्योंकि मैं शुरू से करती आ रही थी तो मैं मुझे किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता लेकिन बहुत से लोगों को अक्सर सूट नहीं भी करती और अब मैंने स्किन पॉलिशिंग जो है बहुत कम कर दिया क्योंकि मैंने लेजर करा लिया है तो ऐसे लेजर के बाद इतनी ज़रूरत नहीं होती स्किन को पॉलिश करने की और इस तरह से मैंने एग्जैक्ट मिनट्स के बाद इसको रिमूव किया और ये जो मैंने फाइबर क्लॉथ लिया है ये गो माइक्रो का है बहुत जबरदस्त इसी तरह आप भी सॉफ्ट सा कोई क्लॉथ ले लें और फिर इसको रिमूव कर लें मैं एक्चुअली कैमरे में करी थी तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था वीडियो बनाते हुए आप लोग वॉशरूम में खड़े होकर रिलैक्स होकर करें और ये देखें जी मैंने रिमूव किया तो कोई रेडनेस नहीं हुई कोई भी जरा भी रैश नहीं हुआ कोई इरीटेशन नहीं है आप लोग देखें मैं लाइट में आप लोगों को स्किन दिखा रही हूँ कि किसी किस्म का कोई रैश कुछ भी नहीं हुआ बहुत अच्छा स्किन पर ग्लो आ गया था उसके बाद मैंने एट मिनट्स के लिए इस मास्क को अप्लाई कर लिया बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट था इस मास्क का और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मैं बहुत सेटिस्फाई हुई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि मुझे बहुत से मेरे फॉलोअर्स कहते थे कि मैं कुछ अफोर्डेबल और लोकल बताऊं तो आप लोग इनके पेज पे जाके इनसे राबता कर सकते हैं और अपनी स्किन के मुताबिक अपने स्किन के हिसाब से आप लोग इसको परचेज करें और यूज करें मुझे तो आप लोगों के सामने ये बहुत सूट की कोई रेडनेस नहीं हुई कोई रैश नहीं हुआ और साथ ही साथ एक सरप्राइज़ भी है कि ये पूरी किट मैं एक अपने एक्टिव फॉलोअर को भेजूंगी नीचे कॉमेंट आप लोग ज़रूर करें और मैं कॉमेंट में से कोई भी अपना एक अच्छा एक्टिव फॉलोअर जो है चूज करूँगी और उसको इनशाला पूरी किट भेजूंगी तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई हो मेरी वीडियो और ये देखें नेक्स्ट डे मॉर्निंग के रिजल्ट्स भी विदाउट एनी फिल्टर विदाउट एनीथिंग अच्छा जी तो देख ली आप लोगों ने मेरी वीडियो में उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आई है, है तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मैं भी रखूंगी अल्लाह